सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे बीकॉम कोर्स की, कहां से, सीजीसी कैंपस से। तो जैसा कि आप सबके ट्वेल्थ के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और सभी बच्चों के ट्वेल्थ के रिजल्ट भी आ चुके हैं और वो एडमिशन लेना चाहते हैं बीकॉम के कोर्स में, एक बजट यूनिवर्सिटी में या बजट कॉलेज में, जहां पे उनका जो खर्चा है सबसे ज्यादा कम हो और उनको बेस्ट एजुकेशन मिल जाए और बेस्ट प्लेसमेंट मिल जाए। तो ऐसे ही कैंपस है सीजीसी, जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। सीजीसी के अंदर कौन कौन से कैंपस आते हैं, कैसे आप वहां पे पहुंच सकते हो, क्या लोकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है, कौन से कैंपस में जो बीकॉम अवेलेबल है, कौन कौन से बीकॉम के कोर्स अवेलेबल है, कितनी फीस, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, प्लेसमेंट क्या रहने वाली, सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सीजीसी से रिलेटेड या बीकॉम से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपको बता दूं कि सीजीसी की फुल फॉर्म क्या है। इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं, सीजीसी कैंपस की बात कर रहे हैं, तो सीजीसी की फुल फॉर्म क्या है। सीजीसी की फुल फॉर्म यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, जिसके अंदर मल्टीपल कैंपस जो आपको देखने को मिल जाते हैं। सीजीसी ग्रुप मतलब चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर है जो तीन कैंपस थे पहले, कौन कौन से, सीजीसी लांड्रा, सीजीसी जंजेडी और सीजीसी गिडुआ। अब जो सीजीसी गिडुआ वाला कैंपस है उसको 2012 में कन्वर्ट कर दिया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि आज अपने आप में काफी बड़ी यूनिवर्सिटी। आपको पता ही होगी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने आप में काफी एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो फिलहाल जो यहाँ सीजीसी के अंदर दो कैंपस बचते हैं, कौन कौन से, सीजीसी जंजेडी और सीजीसी लांड्रा। सीजीसी लांड्रा की बात करें तो सीजीसी लांड्रा का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 2001 का है। सीजीसी जंजेडी की एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 2012 का एस्टैब्लिशमेंट है। सीजीसी जंजेडी है जो अभी रिसेंटली काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कैंपस साइज की बात करें तो सीजीसी लांड्रा का जो कैंपस साइज है वो अप्रॉक्सिमेट 10 से 15 एकड़ का है, और अगर हम सीजीसी जंजेडी की कैंपस साइज की बात करें तो आपको 50 एकड़ का बड़ा कैंपस साइज देखने को मिल जाता है। एग्रीडेशन की बात करें तो दोनों ही जो कॉलेज है, सीजीसी लांड्रा और सीजीसी जंजेडी, दोनों ही गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज है, पीटीयू के अंदर है दोनों कॉलेज आते हैं। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री है जो मिलने वाली है बीकॉम की, चाहे आप सीजीसी जंजेडी में जाए, चाहे सीजीसी लांड्रा में जाए। अगर आप लोकेशन की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, तो जो सीजीसी के कैंपस है वो जंजेडी और लांड्रा जो विलेज है वो अप्रॉक्सिमेट चंडीगढ़ से कितने दूर है, चंडीगढ़ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोनों ही कैंपस आपको चंडीगढ़ के पास देखने को मिल जाएंगे। लांड्रा एक विलेज का नाम है, ठीक है, वहां पे सीजीसी का कैंपस है इसलिए उसको बोला जाता है सीजीसी लांड्रा। जंजेडी एक विलेज का नाम है, वहां पे एक सीजीसी का कैंपस है इसलिए उसको बोला जाता है सीजीसी जंजेडी। दोनों कैंपस के बीच में भी जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सिमेट 10 किलोमीटर का ही है, चंडीगढ़ से सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे दोनों कैंपस आपको देखने को मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत इजीली यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अगर आपको देखना है कि आप सीजीसी लांड्रा कैसे पहुंच सकते हैं, सीजीसी जंजेडी कैसे पहुंच सकते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना रखी है तीनों के रिलेटेड, कि आप एयरपोर्ट से कैसे आएंगे, ठीक है, आप बस स्टैंड से कैसे आएंगे, रेलवे स्टेशन से कैसे आएंगे, वो वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, जिनके लिंक्स वगैरह आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले कॉमर्स के कोर्सेज की, तो कॉमर्स के कोर्सेज में अगर आप सीजीसी लांड्रा की बात कर रहे हैं, पहले कॉमर्स के में जाएंगे। कॉमर्स के यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, बायोटेक, फार्मेसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉमर्स के कोर्स की, कॉमर्स के कोर्स के अंदर यहाँ पे आपको दो प्रोग्राम है, एक अंडर ग्रेजुएट, एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में ऑफर किया जाता है कॉमर्स में। अगर सीजीसी लांड्रा में बात करें तो नॉर्मल से जो बीकॉम ऑनर्स का प्रोग्राम है वो ऑफर किया जाता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम ऑफर की जाती है। तो अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो एडमिशन प्रोसेस क्या है, सिंपल से एडमिशन प्रोसेस, आपकी जो एडमिशन है यहाँ पे डायरेक्टली होती है, कोई एग्जाम वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट एडमिशन आपकी होती है। डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगी, उसके लिए आपको अपना एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया चेक करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या है कि अगर आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं 12th क्लास में तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी बीकॉम के कोर्स में, और अगर आपके 50% मार्क्स हैं बैचलर्स डिग्री में तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी एमकॉम के कोर्स में। एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके ऊपर अपना आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप अपने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म भरते ही आपको जो टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा, टीम की तरफ से कॉल आती है, आपको कॉलेज कॉन्टैक्ट करेगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं, आपका एप्लीकेशन है जो सबमिट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपको जो फीस पेमेंट है वो करनी पड़ेगी अपनी कोर्स की, मतलब सीट बुकिंग करने के लिए कि आप यहाँ पे एडमिशन कन्फर्म करना चाहते हैं, तो आपको अपनी जो कोर्स की फीस पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। फीस पेमेंट करते ही जो आपकी एडमिशन है यहाँ पे डन हो जाएगी। सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पे जो सीट्स रहती है वो लिमिटेड रहती है, तो जो एडमिशन है वो लास्ट डेट रहने वाली 31 मई, बट उससे पहले अगर सीट्स फुल हो गई तो यहाँ पे जो एडमिशन है वो भी क्लोज हो जाएगी। सीजीसी लांड्रा में अगर बीकॉम की सीट्स की बात करें तो 200 से 250 सीट्स है आपको बीकॉम ऑनर्स के कोर्स में यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो जो लोग भी यहाँ पे करना चाहते हैं बीकॉम, उनको जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म अपना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट भी आने वाली है। जो सीट्स है ऑलमोस्ट 80 से 90% है, जो लास्ट मैंने चेक किया तो 80 से 90% सीट्स है जो फुल हो चुकी थी। तो अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आप कॉलेज में कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि सीट्स अभी भी बची है या नहीं बची है, अगर बची है तो ही है जो आप
कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फीस की बात करें तो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है अप्रोक्सीमेट 40,000 से 45,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी फीस रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स की आपको फीस देखनी है तो 2.5 लाख रुपए आपकी टोटल फीस रहने वाली है अकेडमिक फीस। इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेट 40,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी रहने वाली है। बीकॉम का जो कोर्स है वो ठीक है 3 साल का कोर्स रहता है जिसमें आपके टोटल 6 सेमेस्टर रहने वाले, 40,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है, तो अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5 लाख की आपकी अकेडमिक फीस हो गई और आपका जो 3 साल का कोर्स है तो 3 लाख रुपीज आपकी हॉस्टल की फीस हो गई। तो 6 लाख रुपए आपका टोटल बजट रहने वाला है अगर आप बीकॉम ऑनर्स का कोर्स करते हैं सीजीसी लांड्रा से। ठीक है, तो ये हो गया सीजीसी लांड्रा के बारे में। अगर हम दूसरी अब बात करें सीजीसी जनजेडी के बारे में, तो सीजीसी जनजेडी में भी जो कॉमर्स के प्रोग्राम है वो ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे भी जो बीकॉम है बीकॉम ऑनर्स का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, यहाँ पे भी सारा प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्टली आपकी एडमिशन हो जाएगी। एडमिशन प्रोसेस क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको सीजीसी जनजेडी का एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते ही आपको जो है कॉलेज की तरफ से कॉल आ जाएगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पास होते हैं तो आपको अपनी फीस पेमेंट करके यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे भी जो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया रहने वाला है कि अगर आपके 10+2 में 50% मार्क्स है तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन बीकॉम के कोर्स में हो जाती है। लेकिन सीजीसी लांड्रा में आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है कि जो सीजीसी मतलब जो सीजीसी लांड्रा में आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, आपको पूरी फीस पेमेंट करनी पड़ती है। सीजीसी जनजेडी में एक बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है कि अगर आप बीकॉम का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है जो सीजीसी जनजेडी ऑफर करता है। वैसे तो आपको एडमिशन के लिए कोई भी एग्जाम है जो सीजीसी जनजेडी में नहीं देना पड़ता, बट अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप के लिए सीजीसी जनजेडी में जो सीजीसी जोश का एग्जाम है ऑफर किया जाता है, जो कि आपको देना पड़ेगा। सिर्फ जो सीजीसी जोश का एग्जाम है वो सीजीसी जनजेडी के लिए ऑफर किया जाता है, सीजीसी लांड्रा के लिए नहीं। तो सीजीसी जोश का अगर आप एग्जाम देते हैं, एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जो कि आपके 12th के सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपके टोटल जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। अप्रोक्सीमेट 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। ठीक है, जितने मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जितने आपके मार्क्स आएंगे 100 में से उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर जैसे आप यहाँ पे स्टेज वन में जो कि जून एंड में खत्म होने वाला, अभी जो स्टेज वन चल रहा है, तो आप स्टेज वन में अगर एग्जाम देते हैं 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला। अगर आप 100 में से 93 से ज्यादा मार्क्स रहते हैं तो आपको जो 100% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, मतलब आपको बीकॉम की जो अकेडमिक फीस है कोई भी पे नहीं करनी, सिर्फ हॉस्टल फीस ये सब वगैरह पे करना पड़ेगा, जो अकेडमिक फीस है वो आपकी बिल्कुल ऑफ हो जाएगी। अगर आपके 90 से 92 के विश्व मार्क्स आते हैं तो आपको 85% स्कॉलरशिप मिलती है। 80 से 89 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 75% की स्कॉलरशिप मिलती है। 70 से 80 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है। 30 से 70 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ पे जो सीजीसी जोश का एग्जाम है 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, स्टेज वन और स्टेज टू। स्टेज वन और स्टेज टू में क्या डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का टाइम, डिटेल सब कुछ सेम रहने वाला है। सिर्फ स्टेज टू में जो आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो स्कॉलरशिप है वो कम मिलती है एज कम्पेयर टू स्टेज वन। जैसे कि अगर आप स्टेज वन में 93 से ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं तो आपको मिलती है 100% की स्कॉलरशिप, लेकिन अगर आप स्टेज टू में 93 से ज्यादा से मार्क्स लाते हैं तो आपको मिलती है सिर्फ 90% की स्कॉलरशिप। तो यही डिफरेंस है जो स्टेज वन और स्टेज टू में रहने वाला है। तो जो फीस स्ट्रक्चर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस है, वो दोनों ही कैंपस के लिए सीजीसी लांड्रा और सीजीसी जनजेडी के लिए सेम रहने वाला है। ठीक है, मतलब अगर आप सीजीसी लांड्रा से भी बीकॉम करते हैं तो आपका 5 से 6 लाख का बजट रहने वाला है, सीजीसी जनजेडी से भी करते हैं तो भी आपका अप्रोक्सीमेट 6 लाख का बजट रहने वाला है। बट सीजीसी जनजेडी में आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है आपको 100% तक की, तो आपका जो बजट है वो सिर्फ 3 से 4 लाख का हो सकता है। मतलब अगर आपको 100% की स्कॉलरशिप मिल गई तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जो सीजीसी जनजेडी से बीकॉम ऑनर्स का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही कैंपस में जो यहाँ पे सीट्स रहती है वो लिमिटेड रहती है, 200 से 250 सीट्स ही बीकॉम ऑनर्स के लिए ऑफर की जाती है। तो जिन लोगों को भी एडमिशन लेनी है वो जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट रहने वाली 31 मई। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बीकॉम की, कहाँ से, सीजीसी लांड्रा और सीजीसी जनजेडी से, मतलब सीजीसी कैंपस से। प्लेसमेंट की अगर बात करें, ठीक है, प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, आपको बीकॉम में जो प्लेसमेंट है यहाँ पे लो देखने को मिलने वाली है दोनों ही कैंपस में। बट अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब आपके थ्रू आउट मोर देन 70% मार्क्स हैं और आपने बीकॉम में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, आपकी सीजीपीए अच्छी है, आपके पास नॉलेज अच्छी है, तो यहाँ पे नो डाउट से कंपनीज आने वाली है। कोर ब्रांच है तो कंपनीज कम आएंगी, ठीक है, 40-50 कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आएंगी। बट अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, आपके पास नॉलेज अच्छी है और आप उन 40-50 कंपनीज में से कोई एक प्लेसमेंट ऑफर भी क्रैक कर पाए तो यहाँ पे आप अच्छा खासा प्लेसमेंट है जो लेके जा सकते हैं। एवरेज पैकेज की बात करें तो 3 से 4 लाख का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज भी यहाँ पे आज तक 6 से 7 लाख का ही गया है। तो यहाँ पे जो मोस्टली आपको जो पैकेज देखने मिलने वाले हैं वो 3 से 6-7 लाख के बीच में देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपके बीकॉम में भी प्लेसमेंट होने के चांसेस हैं, बट यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल है जो करना पड़ेगा। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू बीकॉम से, कहाँ से, सीजीसी से। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।